हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 41 और ये आपकी 7 अक्टूबर की वर्कशीट होगी। ओके, आई होप मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप साथ साथ अपना काम कर रहे हैं। बेटा, काम को कल के लिए नहीं छोड़ना है, कल पता नहीं क्या हो, कल किसने देखा है। तो जल्दी से इस वर्कशीट को पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन को अभी के अभी 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो वीडियो तो लंबा बनेगा समझाना है, पर क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, हमारा टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक। बहुत सारी चीज़ें हमने कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ ली। कार्बन क्या होता है, उसके यौगिक क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनके अवगुण क्या होते हैं, प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं, उनको कैसे कैसे नाम दिए जाते हैं, वो कितनी प्रकार के होते हैं, इतना कुछ हम कर चुके ना। आज हम करने वाले हैं बेटा समजातीय श्रेणी के बारे में, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है, सम मतलब एक ही, ठीक है, जातीय मतलब एक ही जात वाली श्रेणी, ठीक है। इतना मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी तक हम देख लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। अब तक हमने पढ़ा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती है। जितने मर्जी कार्बन लगा लो, जितने मर्जी लगा लो 10, 15, 20 जितने आप लगा सकते हो, ठीक है। विभिन्न श्रृंखला जो लंबाई की श्रृंखलाएं बना सकते हैं, श्रृंखला मतलब ऐसे लड़ी। अब क्या होता है, ये जो श्रृंखलाएं हैं ये शाखित भी हो सकते हैं। शाखित मतलब ब्रांच्ड, ये कार्बन के साथ ये इधर, तो एक कार्बन इधर भी लग सकता है, एक कार्बन इधर भी लग सकता है, इसके इधर भी लग सकता है, तो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ब्रांच का मतलब शाखाएं, मतलब जैसे ट्री के इधर उधर किधर भी शाखाएं निकलती रहती है, तो हम भी कार्बन किधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी पर्यायक्रात्मक समूह से प्रस्थापित किया जा सकता है। ये हमने किया था, जैसे हेलो ग्रुप, जो हेलो समूह था हमारा, एल्कोहल का था, एल्डिहाइड्स का था, कीटोन्स का था, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह था, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल के उनको इसकी जगह पे डाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे अल्कोहल जैसे समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है। अब जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसा प्रक्रियात्मक समूह उसके पीछे लगा होगा, वैसे ही उसके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे ना वो होंगे, वैसे ही उसके गुणधर्म जो हैं, जो हमारा आगे जो हमारा यौगिक बनेगा उसके गुणधर्म वैसे ही होंगे जैसा उसके पीछे प्रक्रियात्मक समूह है लगा होगा। जैसे अल्कोहल लगा तो उसके गुणधर्म अलग होंगे, एल्डिहाइड लगा तो उसके गुणधर्म अलग होंगे, कीटोन लगा तो उसके अलग होंगे, तो अलग अलग गुण होंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि CH3OH, C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH, अब आपने इनके अंदर क्या देखा, कुछ देखने को मिला आपको। अब देखो, यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन थे, यहाँ पे पांच हो गए, यहाँ पे दो कार्बन थे, यहाँ पे तीन हो गए, यहाँ पे पांच थे, यहाँ पे सात हो गए। तो हर बार क्या है, एक कार्बन बढ़ रहा है और दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। जब हम इससे इस पे गए, फिर इससे इस पे, फिर इससे इस पे, हर बार CH2 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। बस मतलब पता लग गया कि समजातीय श्रेणी क्या है। देखो, इसके रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता है, क्यों, क्योंकि सबके पीछे अल्कोहल लगा है, OH लगा है सबके पीछे अल्कोहल। अब ठीक है, अब देखो, अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। हर को देखो, OH, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर भी OH, और हर एक के बीच में अंतर कितना है, CH2 का। एक से दूसरे पे जा रहे हैं, CH2O डाल दो, फिर दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं और CH2 डाल दो, फिर तीसरे से चौथे में जा रहे हैं और CH2 डाल दो, पर अल्कोहल सेम रह रहा है। तो अब अल्कोहल जब तक वैसा ही रहेगा, तब तक उसके जो गुणधर्म है वो वैसे ही रहेंगे, और जब कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रस्थापित करता है, उसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। सम का मतलब एक ही जाति की, यानी कि एक ही जो है, ठीक है, एक ही प्रकार की प्रक्रियात्मक समूह, क्लियर। अभी देखो, यदि हम उत्तोत्तर यौगिक के सूत्रों को देखें, देखो CH4 C2H6, इनमें CH2 का फर्क है। देखो, CH4 में अगर मैं जोड़ दूं CH2, कितने हो गए, एक और एक दो कार्बन, तो C2, चार और दो छः हाइड्रोजन, तो C2H6 बन गया ना। तो दोनों में फ़र्क कितना है, CH2 का। वैसे C6H जो है, C2H6 और C3H8 में कितना फ़र्क है, CH2 का, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, इनके अंदर फ़र्क कितना है, अगले युग्म प्रोपेन C3H8 व ब्यूटेन C4H10 में क्या अंतर है, किसका अंतर है बेटा, CH2 का,
समजातीय श्रेणी है तो हर एक जो उसका सदस्य होगा हर एक के बीच में CH2 का फर्क होगा और फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह एक ही होगा, या तो अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल या हेलो, एक ही प्रकार्यात्मक समूह जो है उसके पीछे लगा होगा, ठीक है। और हर एक आगे आगे जैसे चलते जाओगे CH2 का फर्क आएगा। क्या आप इन युग्मों के आणविक जो द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले हमने लिख लिया C3H8। अब आपको एक कार्बन का द्रव्यमान दिया 12 यूनिट, हमारे पास है 3, तो 3 गुणा 12 यूनिट, ठीक है। फिर प्लस कर दोगे, एक हाइड्रोजन का एक यूनिट दिया हुआ, हमारे पास है 8 हाइड्रोजन, तो 8 गुणा 1, 12 दिया 36, ये 36 प्लस के 8, 36 और 4 40 और 4 44, तो 44 यूनिट आ गया। तो पहले का तो आ गया C3H8 का कितना आ गया, 44 यूनिट लिख लिया, हो गया। वैसे ही आप निकालोगे किसका, इसका हम निकाल चुके 44 यूनिट। अब निकालेंगे C4H10 का, तो कितने कार्बन है, 4, एक का कितना है 12, 4 गुना 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 10, एक हाइड्रोजन का कितना है 1 यूनिट, तो 12 चौके 48 प्लस के 10 कितने बन गए 58, यानी कि 58 यूनिट। तो इसके कितने आगे 58 यूनिट, तो 58 यूनिट में से 58 यूनिट में से 44 यूनिट खत्म कर दो, कितने बच गए, जितने बच गए उतना आपका इनके द्रव्यमान के बीच में अंतर आ गया, खत्म बात, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखें, तो श्रेणी का पहला जो है वो है एथीन। बेटा देखो, एल्कीनों की बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध होगा, दोहरा आबंध होगा, तो दोहरा आबंध बनाने के लिए कम से कम दो कार्बन चाहिए, एक कार्बन के साथ नहीं होगा, बन ही नहीं सकता कार्बन कार्बन में बॉन्ड। एल्कीन कब बनते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में दोहरा आबंध होता है, तो मतलब कम से कम दोहरा आबंध बनाने के लिए दो कार्बन तो चाहिए ना, तो यहां पे हमारे पास दो कार्बन होने चाहिए कम से कम। अब एथेन का सूत्र क्या होगा, एथेन नहीं आएगा, ठीक है इथीन आएगा बेटा यहां पे आपका शायद। उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र आपको दिए हुए हैं, तो आप देखो सबसे पहले ये उठा लो, उसके आगे वाला ये है, तो जब भी आपको एक पीछे वाला निकालना होता है ना, तो इसमें से CH2 घटा दो, CH2 यानी कि एक कार्बन घटाई तो C2 बच गया, दो हाइड्रोजन घटाई 6 हाइड्रोजन थी तो C4H4 बन गया, C2H4 बन गया, क्लियर हुआ। C2H4 कैसे बनेगा, ये दो और यहाँ पे H2 और यहाँ पे भी H2 बन गया, एथीन आएगा यहाँ पे, एथेन नहीं, एथीन कर लो, ठीक है यहाँ पे एथीन कर लो, क्लियर। अब देखो हर एक की इकाई में क्या इनमें भी CH2 का फर्क आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। एथेन का सूत्र हमने बना दिया C2H4 और हर एक में फर्क कितना आ रहा है CH2 का, बिल्कुल आ रहा है, हाँ इसमें अंतर जो है वो CH2 इकाई का है, क्लियर। क्या आप इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं के संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? हाँ जी होता है, हर एक के बीच में फर्क कितना है CH2 का। एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जाता है, जहां n जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं, 2 से 2, 3, 4, 5, 6 चलते जाओ। तो आपने एल्केनों और एल्काइनों का सूत्र बताना है, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, यहाँ पे आप N1 भी ले सकते हो, और दूसरा होता है आपका एल्काइन CnH2n-2, इसके अंदर आपके पास N जो है वो फिर से 2 से शुरू होगा इस वाले में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब समजातीय श्रेणी के गुणों की बात करते हैं, जब किसी भी समजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो उसके भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। बेटा देखो, जो द्रव्यमान है वो एक भौतिक इकाई है, अगर वो बढ़ेगा तो उसके भौतिक गुणधर्म भी हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, कुछ ना कुछ क्रमबद्धता आएगी आएगी, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ने से उसका जो गलनांक और क्वथनांक है वो बढ़ जाते हैं। एक आधा किलो जो है पानी को गर्म करना है, एक 5 लीटर पानी को गर्म करना है, किलो सॉरी नहीं, आधा लीटर पानी और 5 लीटर पानी को, 5 लीटर वाले में ज़्यादा देर लगेगी, आधे वाले में कम लगेगी, ठीक है। किसी विशेष विलायक में विलयता भौतिक गुणधर्मों की भी इसी प्रकार से क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। अब हर बार क्या बढ़ रहा है, आपका द्रव्यमान बढ़ रहा है, द्रव्यमान मतलब चीज आपकी बढ़ रही है, किसी चीज में उसको घोलना है तो भी उसको टाइम ज्यादा लगेगा। विलयता का मतलब घुलनशील जो होती है किसी चीज के अंदर, उसका सोलेबल होना, ओके। किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। अब
ये तो भौतिक गुण धर्मों की बात होगी कि हमारा जो गलनाक और क्वथनाक है उसमें वृद्धि होगी, भौतिक गुणों में क्रमबद्धता हमें दिखाई होगी देगी, ठीक है। विलायक की में जो विलायता जैसे गुण होंगे, ठीक है, उसके भौतिक गुण उनमें भी क्रमबद्धता होगी, पर रासायनिक गुण वैसे के वैसे रहेंगे। रासायनिक गुण आपके सिर्फ पर क्रियात्मक समूह के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर वो आपका उस समजातीय श्रेणी के अंदर एक जैसा है तो वहां पे कुछ भी रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। नाम पद्धति मतलब नोमन कल्चर, उनका नाम कैसे देना है। तो किसी भी समजातीय श्रेणी के यौगिकों के नामों के आधार पर बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको पर क्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लगन, उपसर्ग, अनुलगन और प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है। हम इसके अंदर देखते हैं पहला तो कि परक्रियात्मक समूह कौन सा लगा है, फिर देखते हैं कि कितने कार्बन लगे हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन सा जो है इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, यानी कि कौन सा इनके बीच में आबंध कैसा बन रहा है, एकल बन रहा है, दोहरा बन रहा है या त्रि बन रहा है, ठीक है। तो अल्कोहल जब बन रहा है, ठीक है, तो मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, जब अल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह है तब। जब एल्डिहाइड हो जाता है तो मेथेनल, ठीक है, वो होता है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये है मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है तो मिथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल और ब्यूटेनोइक अम्ल। देखो जब भी अल्कोहल होगा पीछे नॉल लगेगा, ये वाला नॉल, ठीक है। जब भी एल्डिहाइड होगा पीछे नल लगेगा, ब्यूटेनल, ब्यूट चार कार्बन, नल, ब्यूटेनल। जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो पीछे ओइक अम्ल लगेगा, ओइक अम्ल। जब भी लिखा हुआ होगा वैसे भी अम्ल देख लेना, अगर लगा हुआ है मतलब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ही बन रहा है वो, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद में बात करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन की, दो क्वेश्चन है, दो मिनट में कर लेंगे हम, तो चलते हैं क्वेश्चन पे और उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए, C4H9OH के समजात सदस्य का नाम और संरचनात्मक सूत्र जो है वो आपने लिखना है। तो समजातीय श्रेणी क्या होती है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के परक्रियात्मक समूह स्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। एक ही जात का, सम का मतलब एक और एक ही जात का। इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 मतलब उनके अंदर अंतर कितना होगा CH2 का। मान लो आपको C2H5 मान लो दिया हुआ, अगर मान लो अगर आपको दिया हुआ है या आपको ये दिया हुआ है ब्यूटेनॉल जो हमें ऊपर दिया हुआ है, इसका नाम क्या होता है ब्यूटेनॉल। चार कार्बन है, चार का बुट होता है और पीछे OH लगा है यानी कि अल्कोहल है, तो ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल के अंदर आपने क्या करना है, इस C4H9OH के अंदर एक ऐड कर देना है CH2। अब यहाँ पे C कितने है बेटा, चार, और एक इधर हो गया तो कितने हो गए पाँच। यहाँ पे H कितने हैं 9 और 2 इधर से हो गए तो कितने हो गए 11 और OH का OH, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका जो समजात सदस्य का नाम है वो क्या होगा C5H11OH, पेंटानोल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पेपर में आपको दो चीजें दे सकते हैं, एक तो बढ़ते क्रम में दे सकते हैं, बढ़ते क्रम में मतलब आपने आगे वाला बताना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक घटते क्रम में भी दे सकते हैं, एक बढ़ते में दिया है, घटते में मतलब इसके पीछे वाला भी पूछ सकते हैं, दोनों जगह से पूछते हैं। तो अगर आपको बढ़ता या घटता दिया है तो आप उसके हिसाब से लिखोगे, अगर कुछ नहीं दिया तो आप कुछ भी लिख सकते हो। और उसका संरचनात्मक जो फॉर्मूला है या जो उसकी संरचना है वो क्या होगी, पेंटानोल है, पांच कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, पांच कार्बन में एक जगह पे OH लगेगा, बाकी जितने भी बच गए हाइड्रोजन लगा दो तो टोटल 11 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 हाइड्रोजन्स हो गए, पांच कार्बन हो गए और एक OH हो गया, ठीक है, क्लियर बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सी वर्कशीट है आपकी, कार्बन यौगिकों में एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र आपको CnH2n दिया है, इसके तीसरे व चौथे सदस्य का आवणिक सूत्र लिखिए। तो बेटा जो अल्कीन होता है ना उसका समजातीय सूत्र ये होता है, और अल्कीन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में दो आबंध हैं, ठीक है, दो आबंध होंगे तो मतलब कि सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा एक कार्बन के साथ तो बन ही सकता, n इक्वल टू 1 पे तो बनेगा नहीं, शुरू कहाँ से होगा n बराबर 2 से, n बराबर 1 में तो डबल बॉन्ड बन नहीं सकता ना, तो n बराबर 2 से शुरू होगा। तो सबसे पहला क्या बनेगा C2 और H4, सबसे पहला क्या बना C2H4। अब समजातीय श्रेणी में क्या होता है कि हमारे पास पहला बना C2H4,
अब समजातीय श्रेणी में इसका अगला निकालना, ये पहला है, तो दूसरा क्या आएगा, इसके अंदर CH2 और जोड़ दो, CH2 और जोड़ा तो हमारे पास बना C3H6, ठीक है। अब दूसरा बन गया, ये हमारे पास दूसरा आ गया, अब तीसरा बनाना है तो इसके अंदर एक CH2 और जोड़ दो, और जोड़ोगे तो क्या बन गया, C4H8, तीसरा सदस्य बन गया, तीसरा यही लिखा है। अब C4H8 बन गया तो इसके अंदर एक CH2 और जोड़ दो, चौथा आ जाएगा, तो वो क्या बनेगा, C कितने हो गए, 4 और 1 5, तो बन गया C5, और H कितने हो गए, 8 और 2 10, तो H10, ठीक है, बन गया। बस यही करना था, होगी वर्कशीट यहाँ पे खत्म। दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, दूसरे का आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले की फिगर आपकी ये रही, जो डायग्राम आपने बनाना है, संरचना जो बनानी है वो ये रही, और बाकी का उत्तर ये रहा, ठीक है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे फिनिश हो जाती है, अपने काम को टाइम पे पूरा करते रहिए बेटा, लॉकडाउन जो लगा हुआ है कोरोना काल में, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से वर्कशीट्स को पूरा करिए, अपना नुकसान ना होने दें, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।